नमस्कार। साहित्य, कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, रामचरितमानस को लेकर दलित नेताओं और दलित जातियों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वे बहुत स्वाभाविक हैं, अपरिहार्य हैं। सवर्णों और खासतौर पर ब्राह्मणों के अत्याचारों के प्रति उनका ये प्रतिकार ही समाज को जातिवाद के कोड़ से मुक्त कराने का रास्ता प्रशस्त कर सकता है। जाहिर है, ब्राह्मणवादी तुलसीदास को कुतर्कों से बचाने की तमाम कोशिशें बेमानी है। परिवर्तन के इन स्वरों को स्वीकार करने का आग्रह करते हुए पेश है आज का तानाबाना। तानाबाना में आज आप देखेंगे, क्या हिंदी के लेखक गांधी के हत्यारे गोडसे के मामले में नरम पड़ रहे हैं, इस मुद्दे पर एक बहस। बहस में हिस्सा ले रहे हैं प्रोफेसर हैदर अली। वरिष्ठ कवि और चिंतक अशोक वाजपेयी आज खड़ी बोली के पहले कवि अमीर खुसरो के साहित्य की बात करेंगे दूसरी आवाज में। पुस्तक समीक्षा के क्रम में आज हम बात करेंगे मनोज रूपड़ा की प्रतिनिधि कहानियों के संकलन की प्रोफेसर अपूर्वा नंद के साथ। जाने माने व्यंग लेखक ज्ञान चतुर्वेदी आज उन शर्मिंदा करने वाली चीजों पर कटाक्ष कर रहे हैं जिन पर आज गर्व किए जाना लगा है। मनोज रूपड़ा की कहानियां यथार्थ को इस तरह से प्रस्तुत करती हैं कि उसकी तमाम परतें एक एक कर खुलने लगती हैं, उजागर होने लगती हैं। उनके पात्र और यथार्थ एक दूसरे से टकराकर नई सच्चाइयों को उद्घाटित करते हैं। वरिष्ठ आलोचक प्रोफेसर अपूर्वानंद हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे मनोज रूपड़ा के हाल ही में आए प्रतिनिधि कहानी संग्रह पर बात करते हैं। मनोज रूपड़ा की कहानियां यथार्थ को इस तरह से प्रस्तुत करती हैं कि उसकी तमाम परतें एक एक कर खुलने लगती हैं, उजागर होने लगती हैं। उनके पात्र और यथार्थ एक दूसरे से टकराकर नई सच्चाइयों को उद्घाटित करते हैं। वरिष्ठ आलोचक प्रोफेसर अपूर्वानंद हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे मनोज रूपड़ा के हाल ही में आए प्रतिनिधि कहानी संग्रह पर बात करते हैं। तानाबाना में आपका स्वागत है अपूर्वानंद जी। नमस्कार। ये जो प्रतिनिधि संग्रह है, मनोज रूपड़ा हिंदी के प्रतिष्ठित स्थापित कहानीकार है, और जो कहानियां इस संग्रह में शामिल की गई हैं वो काफी चर्चित भी रही हैं। उनमें से कई तो बहुत ज्यादा चर्चित रही हैं, काफी लंबी लंबी कहानियां हैं, विस्तार है काफी उनमें। और अगर उन कहानियों की गढ़न और उनकी भाषा को देखें तो वो प्रभावित भी करते दिखते हैं। आप इन कहानियों को एक संकलन के तौर पर पहले कैसे देखते हैं, कैसा संकलन है, फिर एक एक कहानी पर भी हम बात कर सकते हैं। या इस मनोज रूपड़ा की प्रतिनिधि कहानियां आमतौर पर कई संग्रहों से निकालकर इकट्ठा की जाती हैं और उनको आप प्रतिनिधि कहते हैं। तो एक तो ध्यान देने की बात यह है कि सिर्फ चार कहानियों को शामिल किया गया है, तो और चूंकि यह तुलनात्मक रूप से जो दूसरे लोग कहानी लिखते हैं उनके मुकाबले लंबी कहानियां हैं, तो आकार में लंबी है। हालांकि जिसे हम शॉर्ट स्टोरी कहते हैं है शॉर्ट स्टोरी ही, कहानी ही है। दूसरे इन कहानियों को पढ़कर मुझे ऐसा लगा, और अभी तुरंत पहले इनका दूसरा संग्रह भी मैंने पढ़ा था जो हाल में ही आया है दहन, उसको भी पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि मनोज रूपड़ा व्यक्ति हो या वातावरण हो या कुछ और हो, उसकी अति में उनकी रुचि है, जो एक्सट्रीम आप जैसे कह सकते हैं बिल्कुल इंतहा, उसमें रुचि है। और दूसरे उनकी रुचि विकृत में भी है, और विकृत भी जीवन का हिस्सा है या विभत्स भी जीवन का हिस्सा है। तो मैं जटिलता नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि इन चीज़ों में उनकी रुचि है और वे उसका वर्णन करना चाहते हैं, खोजबीन भी करना चाहते हैं उसके कारणों की, कि या जो विकृति है या विकृति है वह कहाँ से आ रही है, उसके ब्यौरे में जाना चाहते हैं। तीसरी चीज़ जो मैंने नोट की कि ब्यौरे बहुत हैं हम, और एक परिभाषा तो है यह कि जीवन दरअसल ब्यौरों में बसता है, तो
उस लिहाज से ब्यौरे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कौन सा ब्यौरा दिया जाए कौन सा नहीं दिया जाए ये एक प्रश्न है। तो यह चीज़ मैंने नोट की कि इनकी छोटे बारीक ब्यौरों में उनको देखने की, उनको वर्णन करने की रुचि है, और इनका जो इन जो चरित्र ये चुनते हैं, जैसा मैंने कहा अति, तो जो मैंने चरित्र के स्थितियों के बारे में भी कहा, चरित्र के बारे में भी कहा, तो वो सामान्य नहीं है, न तो उनकी मनोदशा सामान्य है, न वे खुद सामान्य हैं, तो एक असामान्य अवस्था में आप किसी को देख रहे हैं और शायद उसके जरिए आप जीवन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह पूरा ये जो आपने अति की बात की है, क्या आप साज नासाज जो कहानी है उसके जो पात्र हैं उनको याद करके कह रहे हैं, या टावर ऑफ साइलेंस की या सेकेंड लाइफ की है, तीन चार कहानियों में अति पात्रों में अति दिखती है, विकृति हाँ, भी दिखती है कई बार और अति भी दिखती है। हाँ, चारों ही कहानियों में अगर आप पहली कहानी ले लें तो पहली कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसकी माँ मर गई है, माई मर गई है, और वह उसके लिए कंधा देने वालों को खोज रहा है ना? और उसमें कैसी स्थिति उत्पन्न की जाती है कि उसे कोई नहीं मिलता है, वह एक जगह से दूसरी जगह भागता है, और जिसमें आप दरअसल महानगर की एक अमानवीयता दिखाना चाहते हैं और एक लाचारी दिखाना चाहते हैं, और इसे आप बिल्कुल अति तक ले जाते हैं। अब यानी इस कहानी को पढ़ते हुए आपको लगता है कि मानवीयता की कहीं कोई जगह नहीं है, और वो अगर मिलती है बिल्कुल एक अकस्मात रूप में, जिसमें एक टेम्पो ड्राइवर कब्रिस्तान तक ले जाता है और वहाँ एक हिंदू अपनी माँ को दफन करता है, और वह एक बहुत ही अस्वाभाविक सी और विचित्र सी स्थिति उत्पन्न होती है, नाटकीय स्थिति उत्पन्न होती है। तो पहली कहानी तो यह है जिसमें ऐसा लगता है कि जो जीवन है उन लोगों का जो सबसे अति में रहते हैं, यानी कमी की सबसे अति में रहते हैं, उनके यहाँ मानवीयता बिल्कुल नहीं है, और अगर वो आएगी तो एक आकस्मिक रूप में आएगी, वह नियम नहीं होगी। और बाकी जिन कहानियों का आपने जिक्र किया जैसे साज नासाज, तो जो उसमें जो कलाकार मिलता है वह भी उसी प्रकार की स्थिति में रहता है, खुद वो वैसा ही व्यक्ति है। कहानी अगर आप देखेंगे तो बहुत मामूली सी बात कह रही है, वो कह रही है कि यह जो आधुनिक तकनीक आई है संगीत में और संगीत की पूरी दुनिया है, उसने कैसे संगीत की जो असली चीज़ है वो उसे छीन ली है। तो यह कलाकार उसका वर्ड सैक्सोफोन बजाता है, और उसका उसका नशा है सैक्सोफोन बजाना, उसका पेशा भी है, लेकिन किस प्रकार वो पूरी दुनिया विकृत हो गई है। तो वो खुद वह चरित्र एक अमानवीय चरित्र में या विकृत चरित्र में तब्दील हो गया है, और वहाँ से आप एक बात कहने की कोशिश करते हैं कि उससे लगाव का क्या कारण है, या उसके बाद आप आते हैं पारसी परिवार पर केंद्रित कहानी और जो टावर ऑफ साइलेंस है उस कहानी को देख लें, तो उसमें भी जो चरित्र है वह बिल्कुल असामान्य है, उसमें कोई भी चरित्र सामान्य नहीं, उसमें हर चरित्र असामान्य चरित्र है, नॉर्मल चरित्र है। वह एक समुदाय की भी कहानी है, पारसी समुदाय की भी कहानी है, लेकिन वह एक गुजरते हुए पूंजीवाद की कहानी भी है, एम्प्रेस मिल का बंद हो जाना, उसका एम्प्रेस मॉल में बदल जाना, और वह भट्टी, वह सारा कुछ एक प्रतीक है। और आखिरी कहानी जो दो व्यक्तियों की है, या उसमें से भी एक व्यक्ति की है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति उसमें कहीं भी नहीं उभरता है, उस युवक की जो फिट नहीं होता है, और वह आखिरकार उसे फालिज होता है या जो भी हो जाता है, तो वह भी मनोवेगों की तीव्रता की कहानी कहती है आखिर। तो इन इन सब में ही अति ही है चारों कहानी। लेकिन इन तमाम कहानियों में, जैसे मैं टावर ऑफ साइलेंस को लूं,
तो जो विस्तार और जो पारसी समुदाय और उनके सोच को जिस तरह से इसमें प्रतिबिंबित किया गया है, वो काफी दिलचस्प लगता है। वो कहानी को बांधता भी है, पठनीय भी बनाता है और कुछ नई चीजों को उद्घाटित भी करता है कि किस तरह से पारसी समुदाय में अग्नि को लेकर वो है और उनके अंदर वो पूरा रूपक जो गढ़ा है उन्होंने आग के इर्द गिर्द, वो दिलचस्प लगता है। हाँ, उस कहानी को पढ़कर आप ये कह सकते हैं कि उसे क्या कहें आप, उसमें जो ब्यौरे हैं आप प्रायः क्या यह कह सकते हैं कि वो नृतत्व शास्त्रीय ब्यौरे आते हैं, यानी आप पारसी जिंदगी के बारे में जानते हैं, पारसी जिंदगी क्या है, उसकी रूढ़ियाँ क्या हैं, उसके रीति रिवाज क्या हैं, उनका पूरी एक जानकारी दी जाती है, तो वह तो आपको मिलता है। उनका जैसे मनोविज्ञान भी जी उसके बारे में मैं बहुत निश्चित नहीं हूं कि क्योंकि पारसी समुदाय को यह कहा जाता है कि वह एक बंद समुदाय है। पारसी समुदाय में आपस में विवाह, आपस में रिश्ते, बाहर रिश्ते को लेकर काफी संकोच है, तो अपनी पारसीपन को बनाए रखने की फिक्र पारसी समुदाय में है, तो एक विचित्रता उस कारण पारसी जीवन में आ जाती है, तो वह चीज है। लेकिन यह कहानी सिर्फ वह नहीं कह रही है, यह कहानी तो जो हमारे मुख्य पात्र हैं उनके पिता के जरिए दरअसल एक गुजरी हुई जिंदगी की कहानी भी कहती है, क्योंकि वो अपने फैक्ट्री से बहुत ज्यादा उनका लगाव है और वो उसी में गर्क हो जाते हैं, आखिरकार उसी की भट्टी में जान दे देते हैं जहां से निकालने की कोशिश ये लोग करते हैं। तो हाँ, इस कहानी में ये सारी चीजें हैं जो आपको खींचती हैं अपनी तरफ बहुत ज्यादा, जिसका टावर ऑफ साइलेंस जिसका आपने जिक्र किया, और उस लिहाज से यह कहानी महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर मैंने जैसा कहा कि कहानी आखिरकार एक ही बात कह रही है कि एक गुजरा हुआ पूंजीवाद है, एक गुजरा हुआ सामाजिक रिश्ता है जो तालमेल नहीं बिठा पाया नए रिश्ते से, और उसमें जी कई चरित्र आते हैं, जो चरित्र बुआ का चरित्र है, फई का चरित्र आप देख लें, जो एक विचित्र, फिर से एक विचित्र महिला है, तो उसमें एक खतरा यह पैदा होता है कि आप पारसियों की स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हैं कि वे सनकी होते हैं, वे सब के सब विचित्र होते हैं। इस कहानी का एक खतरा यह भी है कि आप दरअसल स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हैं, जो स्टीरियोटाइपिंग लोकप्रिय हिंदी फिल्में पारसी पारसियों का करती थी, तकरीबन उसी तरह की स्टीरियोटाइपिंग इसमें है। जी लेकिन एक बात मैं समझना चाहता हूँ आपसे। कई बार अति के जरिए यथार्थ को प्रस्तुत किया जाता है, क्या ये अति का इस्तेमाल यथार्थ को प्रस्तुत करने का जो इन्होंने अपनी कहानियों में किया है, आपको गलत लगता है या उसका प्रयोग सही ढंग से नहीं हुआ ऐसा लगता है? नहीं, मैंने कहा कि यह कोशिश है, इस पर अंतिम रूप से मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब भी आपको अति का सहारा ही लेना पड़े तो फिर थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए कि क्यों अति के बिना आप बात नहीं कर पाते। आपका आपका पात्र, आपके सारे पात्र बिल्कुल असामान्य पात्र हैं, और मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि ये असामान्य पात्र भी हमारे जीवन में हैं, तो हम जिसको सामान्य कहते हैं, जिसको असामान्य कहते हैं, उसकी जो सीमा रेखा है वो भी बहुत बारीक है, और यह भी एक प्रश्न है। इसलिए जब मैं ये सोच रहा था आपसे बातचीत होने के पहले, तो मैं खुद से भी ये सवाल कर रहा था कि मेरी ये राय कितनी ठीक है और कितनी ठीक नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह कोशिश है, ये एक तरीका है, यह यथार्थ को हासिल करने का एक तरीका है। वह कलात्मक रूप से कितना ठीक हो रहा है, कितना ठीक नहीं हो रहा है, इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। मसलन यह बात कि जो ब्योरे वे देते हैं, जो डिटेल्स देते हैं, क्या वह अति लेखन है? और मुझे ऐसा लगता है कि अति लेखन है। हमेशा कहानी लिखते समय आप कहानी जरूर लिख लें, लेकिन कहानी लिखने के बाद आपको धीरे धीरे उसे पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या, जैसा एक लेखिका ने लिखा है कि
एवरी वर्ड शुड प्रूव दैट इट हैज अर्नड इट्स प्लेस ऑन द पेज. तो क्या आपके हर लफ्ज ने हासिल किया है वह कि वह पृष्ठ पर है? तो मुझे कई जगह लगा कि यह अति लेखन है, अति कथन है कई जगह. लेकिन जो प्रश्न आप कर रहे थे वह प्रश्न अपनी जगह है कि वह एक तरीका हो सकता है और उस तरीके के नतीजे हमें दूसरे मिल सकते हैं जो बाकी कहानियों को, जिन्हें हम यथार्थवादी कहानियां कहते हैं, उनको पढ़ते हुए नहीं मिलेंगे. तो ये उस अर्थ में यथार्थवादी कहानियां नहीं है, बल्कि जो आखिरी कहानी है उसमें यथार्थ अपने आप में एक पात्र, यथार्थ आता है. तो आप यथार्थ को कैसे हासिल करते हैं, कैसे हासिल नहीं करते हैं, यथार्थ से आपका टकराव कैसे होता है, ये प्रश्न भी है. ये जो दफन कहानियां है, कहानी है, उसको पढ़ते हुए मुझे कभी बीच में कभी ऐसा लगा मैं कफन पढ़ रहा हूं. दफन और कफन में कहीं कुछ आपको समानता दिखती है? नहीं, मुझे समानता नहीं दिखती है. कफन कहानी बिल्कुल एक अलग जमीन की कहानी है और यह कहानी वास्तव में इसलिए मुझे बहुत सफल नहीं लगती है क्योंकि यह कहानी खुद कंफ्यूज्ड है कि यह काफी समय गुजारती है यह बताने में कि कैसे उसे अपनी माँ को दफन करने के लिए कोई कंधा नहीं मिलता, है ना? तो कोई व्यक्ति नहीं मिलता जो कंधा दे सके, जिससे आपको ऐसा लगता है कि इस महानगर में मानवीयता बिल्कुल शून्य हो चुकी है, इंसानियत एकदम नहीं है. और वह अचानक आती है उस ऑटो ड्राइवर की शक्ल में और वह दफन के लिए ले जाता है जहां कि उसको दफन नहीं करना है क्योंकि उसको जलाया जाना है. तो वह एक मजबूरी है, जिस मजबूरी में वह दफन करता है. तो कहानी एक बहुत ही कंफ्यूज्ड नोट पर खत्म होती है कि यह जो अंत में है जिसमें आप देख रहे हैं कि वह मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, है ना? उधर से जो इस्लामी रीत रिवाज हैं, आप आखिरी हिस्सा देखिए उसको जी, जिसमें इस्लामी रीत रिवाज हैं, तो वह वहाँ अल्लाह अकबर बोलने को कहा जा रहा है और वो नैनम छिदंति शस्त्राणी नैनम दहति पावक. जी, तो मुजाविर जो पढ़ रहा है और उसमें वो ये याद कर रहा है. तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये टकराहट हो रही है, है ना? और दूसरे वह इसलिए थोड़ा अविश्वसनीय जान पड़ता है कि यह जो व्यक्ति है, आदमी जिसको ये आदमी कह रहे हैं, जिसका कोई नाम नहीं है, है ना? और इसलिए यह बात मुझे थोड़ी और खटकती है कि आप उसे सिर्फ आदमी कह रहे हैं. इस बात को प्रेमचंद ने भी कहा, बाकी तमाम लोगों ने भी कहा कि आखिरकार कहानी को इंसानियत पर विश्वास को कमजोर नहीं करना चाहिए किसी भी, उसे झूठा नहीं होना चाहिए, लेकिन कहानी का प्रभाव नहीं. और दूसरे के आप अगर वो उस व्यक्ति का नाम भी खो गया है, वो आदमी हो गया है कहानीकार के निगाह में, तो फिर वह उसकी जो पूरी बोली है, उसकी जो पूरी भाषा है, उसके बाद वह इन सब को याद कर रहा है, यह भी थोड़ा अविश्वसनीय जान पड़ता है. तो मुझे तो कफन से इसकी तुलना ठीक नहीं जान पड़ती है. लेकिन तुलना नहीं कर रहा हूं, कभी बीच में एक 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 ऐसा लगता है जैसे जैसे उसमें उस कहानी में पात्रों की जो विवशता है वो झलकती है और उससे पैदा होती है अमान, जिसे हम अमानवी बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो भूल गए हैं उसको, उसको वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा जी. कफन और यहाँ ये है कि, हाँ, कफन कहानी पर तो बहुत बहस हुई है, लेकिन कफन कहानी को इस तरह भी पढ़ा गया है कि वह दरअसल उन दोनों का एक विद्रोह है. वे दोनों इनकार कर देते हैं. आप जिसको मानते हैं कि यह किया ही जाना चाहिए मृत्यु के बाद, वो कहते हैं इसका फायदा ही क्या, मतलब ये जो आपने रीत रिवाज किया, कफन के पैसे से वो शराब पी जाते हैं, तो कहते हैं असल चीज ये है, है ना? तुमने जो रीत रिवाज कायम किए उनको मानना हमारी बाध्यता नहीं है. तुम्हारी जो दुनिया है, श्रम का कोई फायदा नहीं, इसलिए श्रम नहीं किया जाना चाहिए. तो आप जो
जीवन के जो भी आपने नियम बनाए हैं उन नियमों को हम मानने से इनकार करते हैं। कफन कहानी वह है, तो कफन कहानी में विवशता नहीं है, कफन कहानी में उन दोनों का फैसला है। यहां दिखलाई पड़ता है कि आदमी बिल्कुल ही विवश है, उसके हाथ में कुछ नहीं है, और आखिरकार उसकी मां उसकी बिना इच्छा के दफन कर दी जाती है। तो यह विवशता की इंतहा है, कफन बिल्कुल उल्टी कहानी है, क्योंकि कफन में उन दोनों का फैसला है, कफन के पैसे से शराब पी जाना, यहां फैसले का बिल्कुल अभाव है, वो फैसला कर ही नहीं सकता है, और यह चीज मुझे खटकती है। जी जी बिल्कुल, आपने सही उसका विश्लेषण किया है, शायद मैं ही उसको गलत पढ़ रहा था। नहीं नहीं गलत बहुत नहीं, बहुत हम लोग अलग अलग ढंग से पढ़ रहे हैं। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अपूर्वानंद आज की चर्चा के लिए, धन्यवाद आपका, नमस्कार। अमीर खुसरो एक कवि, शायर, गायक और संगीतकार तो थे ही, वे खड़ी बोली के पहले कवि भी थे, इसीलिए उन्हें खड़ी बोली का आदि कवि भी कहा जाता है। 13वीं सदी में उन्होंने हिंदवी यानी हिंदी और फारसी में अद्भुत साहित्य रचा है। वरिष्ठ कवि और चिंतक अशोक वाजपेयी आज अपने स्तंभ में अमीर खुसरो के साहित्य की खूबियों पर ही बात कर रहे हैं, तो देखते हैं दूसरी आवाज। नमस्कार दोस्तों, आज दूसरी आवाज में मैं एक बहुत पुरानी आवाज की बात करना चाहता हूं। वो आवाज जो 13वीं शताब्दी में भारत में उठना शुरू हुई, और उस आवाज का एक तरह से हम पर छाए रहना कभी कम नहीं हुआ। वो आवाज थी खड़ी बोली के पहले कवि अमीर खुसरो की। आज से 60 से अधिक बरस पहले अज्ञेय ने सुमित्रानंदन पंत की षष्ठी पूर्ति पर प्रकृति काव्य का, खड़ी बोली के प्रकृति काव्य का एक संचयन तैयार किया था रूपंबरा नाम से, और उसमें पहली कविता अमीर खुसरो की थी। तो ये बात हमें पता है कि अमीर खुसरो ने 13वीं शताब्दी में खड़ी बोली में कविता लिखी। अभी रेखता बुक्स के अंतर्गत उनके कलाम का एक बहुत अच्छा और सुमन मिश्र द्वारा सुसंपादित संचयन आया है, जो डूबा सो पार से आप देख सकते हैं। ऐसी बहुत सारे दोहे और पंक्तियां हैं जो प्रचलित हैं संगीत में, विशेषतः शास्त्रीय संगीत में या कव्वाली में, जिनको हम जानते हैं और कई बार भूल जाते हैं कि ये अमीर खुसरो की है। अपनी छवि बनाए के जो मैं पी के पास गई, जब छवि देखी पीहू की तो अपनी भूल गई, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के, बात अथम कह दीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। ये कव्वाल लोग आज भी बहुत जोर शोर से गाते हैं। कुछ और पंक्तियां हैं, पर्वत बांस मंगवा मोरे बाबुल, नीके मंडवा शिवाव रे, डोलिया फंदाए पिया ले चले हैं, अब संग नहीं को आओ रे, गुड़िया खेलन माँ के घर गई, नहीं खेलन को दांव रे, गुड़िया खिलौना ताखी में रह गए, नहीं खेलन के दांव रे। तो उन्होंने खड़ी बोली में कविता लिखी,
उन्होंने फारसी में कविता लिखी, फारसी के बड़े कवि, और एक पाकिस्तानी शायर जिनका नाम, एक मिनट में बताता हूँ, अमारा अली जो लाहौर के हैं, उन्होंने ये अनुवाद किया है। ये खाके रहम हमचू खुसरो दर कुए कसे व यादगारिम, खुसरो की तरह हम रास्ते की धूल हैं, हम किसी की गली के यादगार हैं। ये बहुत अच्छे अनुवाद है उर्दू में। पबाग बातू हमी कर्द सरो पाए दराज, बयक तमाचा के बाद बादश बजद दराज बखुफ्त। अब मुझे फारसी तो आती नहीं है, लेकिन जो देवनागरी में लिखा है इसको पढ़ रहा हूं, हो सकता है इसमें कुछ तलफ्फुज की गलती हो। बाग में सर्व तुम्हारे साथ मुकाबला कर रहा था, हवा ने उसे एक थप्पड़ मारा और वो सो गया। यहाँ जो तमाचा तपांचा शब्द है, उससे हमारा तमाचा कितना मिलता जुलता है, संभवतः उसी का अंततः अभ्रंश है। नमकीनियत पर बहुत बात होती रही है, हमारे यहाँ लावण्य की कल्पना है जो ठीक उसी से, लवण मतलब नमक। खुद नमक अज लबे तू चाशनी अस्त, बी सुखन हमजे जुबाने नमक अस्त, तुम्हारे होठों से नमक में भी मिठास है। और ये बात खुद नमक ने कही है, क्या बात है, अच्छी कविता का काम उसको भी वाणी देना है जिसके पास वाणी नहीं है, जैसे कि नमक को। तेरहवीं सदी में एक आदमी हिंदुस्तान में है और फारसी में कविता लिख रहा है, और उसमें जो सूक्ष्मता है, जो सूक्ष्मता का कौशल है, वो भी अद्भुत है। तुम्हारा पैरहन पानी के कतरे की तरह है, तुम्हारा पैरहन पानी के कतरे की तरह है जो फूलों और पत्तों पर हल्का पड़ रहा है। खुसरो कूच का वक्त है और कंधों पर इश्क का बोझ है, खुसरो कूच का वक्त है और कंधों पर इश्क का बोझ है, रास्ता लंबा है और तू अकेला चल पड़ा है। जो लोग हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से थोड़ा बहुत वाकिफ हैं, उन्होंने कभी न कभी किसी न किसी गायक से बसंत राग में ये बंदिश जरूर सुनी होगी, जो दरअसल खुसरो की लिखी है। सकल बन फूल रही सरसों, बन बन फूल रही सरसों, अमुआ फूटे स्टेसु फूले, कोयल बोले डार डार, और गोरी करत सिंगार, मलनिया गढ़वा ले आई घर सो। सकल बन फूल रही सरसों, सभी जानते हैं कि सिर्फ गंभीर भावों वाली कविता ही नहीं लिखी अमीर खुसरो ने, उनमें एक अद्भुत विट, एक अद्भुत विनोद भाव था। और ऐसी चीजों को पहली बार शायद वो कविता मिला है, कम से कम भारतीय परंपरा में, जिसमें मक्खी मच्छर
इत्यादि की भी जगह है। अब जैसे यही देखिए, उनकी एक मुर्की है, जब मोरे मंदिर में आवे, सोते मुझको आन जगावे, पढ़त फिरत वह विरह के अक्षर, पढ़त फिरत वह विरह विरह के अक्षर, ए सखी साजन ना सखी मच्छर। अब ये जो चहलबाजी है, ये जो एक तरह का आप कह सकते हैं कि ये जिसको बाद में अति यथार्थवाद कहा गया, कि यथार्थ को कैसे तोड़ मरोड़ के एक युक्ति निकाली जा सकती है। ये तो मच्छर भी था मुर्की। ये देखिए, बेर बेर सोवतहीं जगावे, ना जानू तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। तो एक बड़ा कवि वो होता है जो ऐसी चीजों को भी जगह देता है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मच्छर मक्खी, ये कभी कविता में पहले आए? और फिर वो जो क्या दो दो, दो सुखन क्या कहते हैं, इनका एक तकनीकी नाम है इन इन दो दो पंक्तियों की, हाँ, दो सुखने। घर क्यों अंधियारा, फकीर क्यों बिगड़ा, उत्तर क्या है, दिया न था। और जो जो अति यथार्थ का एक रूप अमीर खुसरो के यहां है, उसे देखिए, अनमेलियां या ढकोसले, खीर पकाई यतन से और चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा, ला पानी पिला। अब ये जो सर्वथा अप्रत्याशित ढंग से चीजों को जिनमें कोई संबंध नहीं है जोड़ना, भैंस चढ़ी बबूल पर और लप लप गूलर खाए, दुम उठाकर देखा तो पूरन मासी के तीन दिन। अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो की मदंती पुरुष भी है, कहा जाता है कि उन्होंने पखावज को तोड़कर, यानी उसको दो भागों में बांटकर तबला बनाया। ये भी कहा जाता है कि सितार उन्होंने ही ईजाद किया वगैरह। संगीत में, शास्त्रीय संगीत में उनकी उपस्थिति निरंतर रही है, ये तो सही है। और ये कहा जाता है कि अपनी मृत्यु के थोड़ी देर या दिन पहले उन्होंने ये दोहा कहा था, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन बही चहु देश। निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के बाद, थोड़े दिन बाद उनकी मृत्यु हुई, और चूंकि निजामुद्दीन औलिया इस दुनिया से रुखसत कर गए थे, अब खुसरो के लिए जो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत था वही चला गया था, तो उस पर ये एक ट्रैजिक सा पद है। बात याद रखने की है कि आजकल हम लोग बहुत दुखी होते हैं और इस पर कोशिश करते हैं कि हमारी सभ्यता में जो बाहर से आए लोगों ने योगदान किया है उसको कम आंकें और हम किसी शुद्ध भारत में सांस लेने लगे। ऐसा शुद्ध भारत है नहीं, ना होना चाहिए। हमको जो दुनिया भर से मिला है
और जो हमने दुनिया भर को दिया है, उन दोनों से हमारी निस्बत होनी चाहिए। हमको शुद्ध नहीं, असली भारतीय होना चाहिए। और अमीर खुसरो को याद करना और उनके कलाम को पढ़ना एक बार फिर ये मौका देता है कि हम असलियत को पहचाने और उसी में रमें। हाल में एक फिल्म आई थी, गांधी कोट से एक युद्ध। ये फिल्म तो पिट गई, मगर इसको लेकर विवाद अभी तक जारी है। आरोप है कि इस फिल्म में गोडसे को महिमा मंडित किया गया है और गांधीवाद की गलत व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इस फिल्म के पटकथा लेखक असगर वजाहत इन्हीं वजहों से आलोचना के केंद्र में है। उन्हीं के द्वारा लिखे नाटक पर यह फिल्म आधारित भी है। असगर वजाहत सफाइयां दे चुके हैं, मगर विवाद थम नहीं रहा है। आज की बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं हिंदी के प्राध्यापक हैदर अली। ताना-बाना में आपका स्वागत है हैदर साहब। शुक्रिया। मेरा पहला सवाल ये है, हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं कि मैंने ये फिल्म देखी नहीं है। इस फिल्म को लेकर जो विवाद हो रहा है वो सोशल मीडिया पर फैला हुआ है, साहित्यकारों के बीच में इस पर जबरदस्त चर्चाएं हो रही हैं। तो सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि इस फिल्म में गोडसे का महिमा मंडन किया गया है। गोडसे का महिमा मंडन अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, नहीं हुआ है तो कैसे नहीं हुआ है, क्यों आरोप लग रहे हैं गोडसे के महिमा मंडन? सर, पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे मधु करने के लिए, बुलाने के लिए। मैं सर, बात जैसे आपने शुरू की कि फिल्म नहीं देखी, अगर फिल्म देख ली जाए तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। जिन्होंने फिल्म देखी है उस फिल्म देखकर भी टिप्पणियां कर रहे हैं इसी तरह की? हाँ जी 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 बिल्कुल। सर देखिए, मैंने तो नाटक पे काम भी किया है, पढ़ा तो बहुत पहले, दोबारा पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, चौथी बार पढ़ा, और फिल्म भी दो बार देखी। मैं जब ये फिल्म देखने से जिस दिन फिल्म रिलीज हुई उसी दिन जो है अगले दिन ही एक वीडियो आ गया और उस तरह की बातें शुरू हो गई, तो मुझे खुद ऐसा लग रहा था, क्योंकि मेरी तो सर से कभी कभी बीच बीच में बात होती है, कि वो ऐसा तो हो नहीं सकता, ये क्या हुआ है, या तो कुछ फिल्म की जो एक तरह से जो जिसे आप वो कहिए कि मजबूरी हो सकती है उससे तो कुछ ऐसा नहीं हो गया, या राजकुमार संतोषी ने तो कुछ ऐसा नहीं कर दिया कि सर को भी उसमें अपने उसमें कर लिया है और पता नहीं लग पाया, जो भी है। खैर, मैं फिर फिल्म देखने गया और मेरे साथ जामिया के और जेएनयू के बहुत सारे प्रोफेसर्स के अलावा स्टूडेंट्स थे, और क्योंकि हमारे मीडिया पढ़ा जाता है, मीडिया के बहुत सारे लोग थे। तो किससे मतलब यह कि बात हुई कि भी आप ऐसे मूवी देखिए कि मत सोचिए कि ये क्या हो रहा है, उस पर क्या चल रहा है, आप बिल्कुल फ्री होके देखिए क्या हो सकता है। तो उसमें एक सर थे जो बहुत गांधीवादी, बहुत बड़े गांधीवादी हैं, मतलब जैसे जिन्हें हम अंधभक्त वाली श्रेणी में रख सकते हैं गांधी जी के, तो उन्होंने भी देखी साथ में फिल्म। तो बात हुई बहुत सारी और मैंने खुद जो देखा, मैं अपनी बात करता हूँ, तो मुझे तो फिल्म में नहीं लगा ऐसा कहीं भी कि कहीं भी गोडसे को गांधी जी से ऊपर किया जा रहा है या गांधी जी को दबा दिया गया है। और मैं बहुत हतप्रभ था इस चीज को लेके, क्योंकि जैसी बातें चल रही थी कि ये बात कैसे आ गई, क्यों आ गई, इसके पीछे क्या वजह है, क्या सोचा होगा। साहब, इस आलोचना के सबसे ज्यादा तीखी आलोचना अशोक कुमार पांडे कर रहे हैं, जो कि इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे लेकिन किसी वजह से वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं। वो होते तो शायद और भी अच्छा होता, क्योंकि उन्होंने भी फिल्म देखी और आपने भी फिल्म देखी है, आप दोनों एक दूसरे के तर्क को का जवाब दे सकते थे। लेकिन क्या ये इसकी एक बड़ी वजह ये हो सकती है? देखिए, असगर वजाहत की छवि जो है वो किसी कम्युनल राइटर की नहीं रही है, वो गोडसे वाले तो है नहीं, ठीक है, उनका पूरा जो अतीत रहा है वो प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े रहे हैं, वो प्रगतिशील साहित्य के सृजन में जुटे रहे हों, तो ये एक फिल्म जो है उसमें हो सकता है कि उन्होंने जिस ढंग से सोचा हो उस ढंग से उनको
न दिखाया हो। क्या ऐसा है कि कहीं से ये उसका उस फिल्म से ये मैसेज निकलता है कि गोडसे जो है एक बड़ा मानवीय सीधा साधा देशभक्त किस्म का आदमी था और जिसने देशभक्ति के जुनून में या हिंदुत्व के जुनून में गांधी की हत्या कर दी, तो क्या उसके प्रति कहीं नरमी दिखती है इस फिल्म में? सर मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ सर कि देखिए ये फिल्म जो है ना, क्योंकि पूरी आभासी इतिहास पे है, तो वो गोडसे और गांधी की फिल्म तो है नहीं। वो तो दो विचारधाराओं के बीच में संवाद स्थापित करने की एक कोशिश है। और इसके पीछे मैं सर ये आपको बताऊं कि क्योंकि सर जामिया में पढ़ाते थे और मैंने उन्हीं के साथ काम भी किया है थोड़ा सा, तो ये जो नाटक है इसकी जो कल्पना हो रही थी, परिकल्पना, क्योंकि पहले सर जो है वो गांधी पे ज्यादा लिखना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर लगा कि नहीं, ऐसा एक करेक्टर है हिंदुस्तान में जो बहुत कुछ प्रभावित किया है, तो मुझे देखना चाहिए। तो 2000 के आसपास इस नाटक के बारे में या इसके ऊपर लिखने की बात हुई। और फिर आप देखिए 2000 में कौन लोग थे सत्ता में, उसके बाद ये 2009 और 10 में शायद ये नया ज्ञानोदय में रविंद्र कालिया जो थे उन्होंने लगातार इन्हें छापा, और उसके बाद ज्ञानपीठ ने किताब छापी जो नाटक की। तो एक तो ये बात कि उस समय क्योंकि सत्ता में जो जो आज लोग हैं वो तो थे नहीं, अगर उनके जहन में ये बात होती कि इसे ऐसे कर दिया जाए तो वो भी बात खारिज हो जाती है। दूसरी बात सर ये है कि आपने नाटक तो पढ़ा ही होगा, देखा भी होगा, टॉम अल्टर ने किया, कई लोगों ने किया, उस समय भी जो है कुछ लोगों ने, इवन एक मुझे याद नहीं, एक महिला थी, उन्होंने वजह सबसे उस टाइम पर ये सवाल किया था कि इसमें जो है ऐसा लगता है जैसे कि गोडसे का जब डायलॉग आते हैं तो ताली बड़ी बजती है और गांधी जी के पर नहीं बजती है। तो सर उसका बड़ा अच्छा जवाब वजह साहब ने नहीं दिया बल्कि टॉम अल्टर ने दिया था, वो तो खैर अब नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि देखिए गांधी जी और गोडसे का जो जीवन आधार है या उनका जो जीवन है, वो जिंदगी है, वो बहुत अलग है। गोडसे बहुत ही अग्रेसिव, बहुत ही उद्दंड टाइप या एक कट्टरता से पूरा परिवेश बना हुआ है, सावरकर उनके गुरु हैं, उनकी विचारधारा क्या है, तो वो जो जवाब देते हैं या डायलॉग बोलते हैं, क्योंकि वो द्वंद लाना है नाटक में और गोडसे अपने लेवल के हिसाब से ही बोलेंगे, तो वो आम लोगों को बहुत जल्दी समझ में आता है। और चूंकि गोडसे के जो डायलॉग है विचार, उसमें भावना अधिक होती है, मतलब भावना जहां अधिक होती है तो वहां रिएक्शन भी जल्दी आता है। गांधी जी को समझने के लिए समय चाहिए, वो इतने आसान नहीं है और इतने हल्का नहीं हो सकते कि गोडसे के स्तर पे वो बोले। अच्छा सर एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, कभी छोड़ जाए, जो फिल्म में बात आ रही है ना बार बार कि जी वो गोडसे को लगता है कि वो आगे आ गए हैं, सर गोडसे जो जवाब देते हैं वो गोडसे अपनी भाषा में देते हैं, अपने स्टाइल में देते हैं, गांधी जी अपने उसमें देंगे, वो उनके स्तर पर नहीं जा सकते ना, एग्रेसिव नहीं हो सकते ना, वो तो हिंसा हिंसा दो एक साथ हो ही नहीं सकती है। तो मुझे लगता है कि वो एक बात है जो लोगों को लगता है कि भाई ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है जी। तो ये नाटक लिखने के समय और जब इसको फिल्म में रूपांतरित किया जा रहा था या इस पर फिल्म बनाई जा रही थी, तो इस ये मैसेज क्या जा रहा है ये एक ध्यान में रखा जाता है। तो अगर इस तरह से उसकी गढ़न थी जिसमें गोडसे हावी होते हुए दिख रहा है अपने तमाम कुत्सित विचारों और कामों के बावजूद, तो ये लेखक की पटकथा लेखक की एक असफलता नहीं मानी जाएगी? सर पहला तो मैं पहले ही ये कह चुका हूं कि मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि उसमें गोडसे हावी होता जा रहा है या उसके प्रति जो है नरमी बरती गई है या उसे बढ़ाने की कोशिश की गई, मुझे तो ऐसा कहीं नहीं लगा। बल्कि मुझे ये पूरा नाटक तो अलग बात है, फिल्म भी एक तरह से गांधीवादी जो दर्शन है उसकी उसका विस्तार लगी। बेसिकली सर देखिए मुझे एक चीज हैरत और भी हो रही है, जब ये नाटक आया था तो इसकी कोई इतनी इस तरह की चर्चा नहीं हुई, जबकि मुझे लगता है ये जो लोग चर्चा कर रहे हैं इन लोगों ने तो देखा ही होगा क्योंकि ये लोग बुद्धिजीवी लोग हैं और काफी एक्टिव रहते हैं। और अब फिल्म आ गई तो ये सब चीज, खैर वो बात है, फिल्म का बहुत बड़ा दायरा होता है, नाटक का इतना नहीं होता है, ये अलग बात है मुझे। लेकिन सर गांधी जी का जो पूरा जीवन है और फिल्म में जिस तरह से लाया गया है, वो मुझे लगता है कि गांधीवादी दर्शन की व्याख्या ही एक तरह से, और वो देखा जाए अगर उसे सोचेंगे। मुझे एक बात और भी है सर इस फिल्म के बारे में, शायद ऐसा भी हो सकता है जैसे तीसरी कसम के लिए हुआ, बाद में लोग धीरे धीरे कहेंगे कि ओहो ये तो एक तरह से दस्तावेज है फिल्म, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्म है, मुझे ऐसा लगता है इसके बाद में ऐसा हो सकता है। ऐसा साहब कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो राजकुमार संतोषी हैं इस फिल्म के निर्देशक, वो उनकी छवि एक प्रो हिंदुत्व वाली रही है और जो बयान आजकल वो दे रहे हैं
वो सीधे सीधे मिलते हैं, वो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी की तुलना गांधी की तुलना मोदी से कर रहे हैं, मतलब ये अति तक है। वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बापू का हमेशा इस्तेमाल किया है, तो उनकी पॉलिटिक्स साफ साफ दिख रही है इस फिल्म। अब चूंकि वो इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, वो पॉलिटिक्स फिल्म में ना आए ये कैसे हो सकता है, ये एक सीधा सा तर्क बनता है यहाँ पर। सर मैं ये तो मैंने तो नहीं सुना ये बात जो आप संतोष जी कह रहे हैं मोदी से तुलना कर रहे हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप कह रहे हैं ये, तो आप... ये प्रकाशित है, आप चाहेंगे तो मैं आपको लिंक दे दूंगा अच्छा। इसका। तो मैं सर जी लेकिन ये बात एक मैं सो ये एक बात हो सकती है कि ये फिल्म का जो उसमें पैसा आप जानते हैं काफी लगता है, तो वो क्या सोच रहे हैं क्या हो रहा है कि वो नुकसान ना हो, ये तो मुझे नहीं इस बारे में कह सकता। लेकिन सर आप एक बात पर गौर कीजिए, एक चीज जो मैंने नाटक को मैं दूसरी तीसरी बार पढ़ा कि नाटक में एक चीज नहीं थी जो राजकुमार संतोषी ने, मतलब बेसिकली वजह सब शामिल ही है उसमें, वो दिखाई तो मैं बल्कि मानता हूँ कि कैसे हो गया इस समय में। उन्होंने जिस बात की बहुत चर्चा हुई पिछले दिनों और हो रही है कि ये वो लोग हैं जो आज सत्ता में हैं जो आजादी की लड़ाई में थे ही नहीं, और बल्कि क्या क्या षड्यंत्र हो रहे थे और मिल रहे थे और माफीनामे ये सब हो रहा है, लेकिन जेल में जो है गोडसे से जो गांधी जी के साथ जाते हैं बावन दास का जो करेक्टर लिया मेला चल वाला, उसमें वो कहते हैं कि भाई आप जो है हमेशा जो है देशभक्ति राष्ट्रभक्ति और हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र की बात करते रहते हो है ना, तो आप तो वो कहते हैं गोडसे कि मैं सब कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए और ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ जो मतलब बोलते रहते हैं हमेशा। तो वो कहते हैं कि आपने जो है ना एक पत्थर अंग्रेजों को नहीं मारा आज तक और हमारे बापू पे आपने गोली चला दी। अब मुझे सोचिए कि ये तो नाटक में डायलॉग ही नहीं था, लेकिन उसके बाद अगर ये राजकुमार संतोषी ने डाला, मैं संतोषी जी का फेवर नहीं कर रहा हूँ ना उनके उसमें हूँ, हो सकता वजह साहब ने डाला, जाहिर साहब वजह साहब ने पटकथा लिखी है, तो जिस चीज पे सबसे ज्यादा चर्चा है और जिससे वो लोग सबसे ज्यादा तिलमिलाते हैं और जिसे चाहते हैं इसका चैप्टर बंद ही हो, इस पे बात ही ना हो, वो बात सीधे सीधे बोल दी गई फिल्म में। हाँ, लेकिन इसी के इसके इस पर जवाब देने का मौका मिल गया गोडसे को। ये एक ये प्रश्न डालकर कोई कोई चीज प्रूव करने की कोशिश भी करता है डायरेक्टर। अब आपने कहा कि उसका जो संतोषी ने कहा उसका आपको आपने नहीं देखा, मैं आपको बता रहा हूँ, TV9 भारतवर्ष को इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री मोदी से काफी प्रभावित हूँ, मेरा 2-3 बार मोदी जी से मिलना हुआ, उनका 56 इंच का सीना है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर पता कि उससे भी बड़ा उनका दिल है। उन्होंने गांधी जी स्वस्थ के स्वच्छता अभियान के लिए हमें बुलाया था, उनसे मुलाकात करने के बाद मुझे लगा कि उनमें एक सरलता है, हम सभी उन्हीं के बताए रास्ते पर चल रहे हैं, वो इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं लेकिन इसके बाद भी वो हमसे खुलकर बात कर सकते हैं, और यही खूबी महात्मा गांधी में भी थी। अब आप सोच सकते हैं। सर देखिए मैं इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता पॉलिटिक्स में और प्रधानमंत्री जी से मिले और क्या कहा और क्या नहीं, ये तो अब इस बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता सर उनका क्या हो सकता है। मैं तो नाटक के ऊपर बात कर सकता हूँ और इसके फिल्म के ऊपर जो भी हुआ और जो ये बात रह गई कि गोडसे को मौका मिला बताने का, वो उसमें उस जो फिल्म में सीन है उसमें गोडसे को मौका नहीं मिला बल्कि वो बगले झांकने लगता है और उसके चेहरे से लगता है जो फिल्म में दिखाया है कि ये सोच रहा कि हाँ भाई ये तो है मसला और हम जो बातें बनाते हैं हमने क्या किया, मतलब इस तरह का रिफ्लेक्शन आता है। और कई जगह ऐसा होता है जब वो गांधी जी के सवालों का जो है जवाब नहीं दे पाते हैं, तो ये कई जगह होता है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने सवाल रखे और गांधी जी जवाब नहीं दे पाई, ऐसा नहीं है सर। आप जब फिल्म देखेंगे बाद में, जाहिर है आप जरूर देखेंगे, तो आप इस बात को देखेंगे जरूर कि ऐसा नहीं है। बिल्कुल, तो आप इससे इनकार करते हैं कि इस फिल्म के जरिए, ये भी आरोप है कि इतिहास को ठीक ढंग से पढ़ा नहीं गया, इतिहास को ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया, और जो गांधीवाद है उसकी भी व्याख्या सही ढंग से नहीं हुई है इस फिल्म। सर देखिए फिल्म की जो है सीमा होती है आप जानते हैं बहुत ज्यादा, वो फिल्म 1.5-2 घंटे के आसपास है और कुछ फिल्में 3 घंटे की होती है उससे ज्यादा भी होती हैं, तो जो फिल्म एक साहित्यिक कृति का जो फिल्मी रूपांतरण करने में जो सीमाएं होती हैं, जो बाध्यताएं होती हैं और जो संभावनाएं हो सकती हैं, उसके हिसाब से जैसे मुझे जो आप हिस्ट्री वाली बात करें, क्योंकि क्या है कि उसमें तो सिर्फ प्रतीकात्मक है, मतलब ऐसा नहीं कि हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है वो तो ठीक है, वो हिस्ट्री के नायक कैरेक्टर हैं तो वो तो पूरी कल्पना है,
लेकिन एक बात जो उसमें तोड़ मरोड़ने वाली बात पे जो बात आ रही है, जैसे कांग्रेस के लेके आ रही है, तो कांग्रेस को डिसॉल्व करने की बात तो गांधी जी कहते हैं, तो हिस्ट्री है, पता ही है, वो तो कहते ही थे, ये तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ऐसा है। और तो ये बात आती है वहां, और वो आती है असहमति की, वो कहते हैं कि भाई आप इसे डिसॉल्व कर दीजिए और इसे मंच मत बनाइए पार्टी का। तो कहते हैं कि फिर कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, शासन कौन करेगा, बहुत उम्मीद है। तो कह रहे शासन वो करेंगे जो जिन्हें लोग चाहेंगे। तो वो कहते हैं कि भाई सत्ता लेकिन होनी चाहिए, कह रहे सत्ता जो है वो अपने लिए काम करती है, जो लोगों के लिए नहीं करती है। तो ये एक तो चीज़ है और ये बात सही है एकदम। और जहां तक सर ये जो एक आरोप आ रहा है कि वो ये किया गया है पार्टी को लेके, उसमें आप देखिए जैसे नेहरू को लेके बात हो रही है कि अंदर बात कर रहे हैं वो और वो बाहर से आते, आप फिल्म की सिचुएशन देखिएगा, गांधी जो है ऐसी स्थिति में मरणासन स्थिति में है और वहां सब लोग हैं और नेहरू की उसमें गोद में बैठे, मतलब उनके सिरहाने बैठे हैं, बाकी लोग बैठे हैं। तो वो जब वो आते हैं बाहर से, कोई जो उनके पीएस थे गांधी जी के प्यारे लाल, तो वो गांधी जी से कहते हैं कि वो कैसा शोर है बाहर। तो चूंकि गांधी जी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, वो लोग लगा रहे हैं जो बहुत त्रस्त आए हैं और पिट रहे हैं और लूटे जा रहे हैं, तो वो हालत ऐसी है। वो कहते हैं गांधी जी सब शांति हो गई है और वो आपकी जय बोल रहे हैं, ये कह के वो जो है अपना सर झुका लेते हैं नदामत से, शर्मिंदगी से, और जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और बाकी लोग भी शर्म से वो झुका लेते हैं कि हमने झूठ बोला गांधी जी से। फिल्म में जो ये रिफ्लेक्शन आता है, तो वो क्या है कि फिल्म की सीन के हिसाब से क्या हो सकता है वो एक होता है, और उसमें मुझे वहां कुछ नहीं लगा कि उसमें कुछ गलती है, मुझे ऐसा लगता है। आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं इस फिल्म से देखने के बाद? आपको लगा कि कहीं भी किसी भी तरह से गोडसे का महिमा मंडन नहीं हुआ है? सर देखिए क्या है कि जो भी उसमें गोडसे के विचार, जो उनका बयान है 9 घंटे का अदालत में, उसी पे आधारित पूरा बयान है उनका, उसी पे आधारित डायलॉग बनाए गए हैं, एक भी वहां से कहीं नहीं लिया गया, इधर से उधर भी सब वही है। फिल्म के स्तर पर तो मैं ज्यादा नहीं कह सकता कि वो अच्छी है, ज्यादा बनी है, बुरी बनी है, वो तो मैं अभी नहीं कर सकता बात ज्यादा, हालांकि मुझे तो लगा अच्छी बनी है। लेकिन इसमें जहां तक प्रभावित करने की बात है, तो गांधी जी ने ज्यादा प्रभावित किया है, और यकीनन गांधी जी ज्यादा प्रभावित कर सकते थे। अब मैं सर ये कह रहा हूं कि अगर मान लिया यदि ऐसा होता, तो गांधी जी का जो व्यक्तित्व तो है, अगर उस हिसाब से देखा जाए, तो क्या ये हो नहीं सकता था कि गोडसे जैसे अदना से आदमी को, ठीक है उसने वो काम कर दिया जो वो, उसका इतना बड़ा नाम लोग कुछ मानते हैं, कुछ बुरा मानते हैं, जो भी है, तो क्या अगर उससे मिलने का मौका मिलता, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था गांधी जी उसे प्रभावित कर देते? गांधी जी ऐसा भी नहीं कर सकते थे क्या? ये नहीं हो सकता था जो किया गया है बाद में। और सर मुझे एक चीज और भी है, पता नहीं मुझे आएगी, हमें जब निराला की राम की शक्ति पूजा पढ़ाई गई, और माने प्रोफेसर्स ने पढ़ाई, अब्दुल बिस्मिल्ला, अशोक चक्रधर, इन लोगों ने, और जो बाकी लोग हैं बड़े बड़े, उन्होंने कहा कि वो राम जो ईश्वर हैं, ईश्वरीय रूप हैं पूरा, उन्हें एक मानव जो होता है इंसानी रूप में, जो उनका अंतर्द्वंद होता है, उनके दुख होता है, खुशी होती है, कमजोरी होती है, ताकत होती है, उस रूप में दिखाया गया, और वही उस कविता का सबसे बड़ी शक्ति है, और इसलिए वो राम की शक्ति पूजा जो है इतनी महान कविता है। तो एक राम, एक ईश्वर को तो हम इंसान के रूप में दिखा सकते हैं और उसकी तारीफ कर सकते हैं। प्रोफेसर भी हमें बता रहे हैं, हम स्टूडेंट थे तब, हम भी कह रहे हैं हाँ यार यही इसका कमाल है, यही इसका काव्य सौंदर्य, यही इसकी कला है। लेकिन गांधी जो एक इंसान ही है ना, इंसान ही थे ना सर, अगर उनमें हम कोई चीज, अगर इंसान वाली, इंसानी कमजोरी के रूप में अगर कोई चीज दिखा दें जो हो सकता है, तो इतना हाव हल्ला कैसे हो रहा है और वो गांधीवादी लोग कैसे कर रहे हैं, ये मैं खुद इस बात से बहुत हद पर हूं, क्योंकि वो गांधी की शैली नहीं है। मौका तो देना चाहिए ना हर किसी को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर साहब, मुझे लगता है कि मुझे जल्दी ही ये फिल्म देख लेनी चाहिए, और इस विवाद पर अपनी एक मुकम्मल राय बनाने के लिए ये बहुत जरूरी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। कभी जिन चीजों पर शर्म की जाती थी, आज वो गर्व का विषय बन गई है। चाटुकारिता, चमचागिरी इनमें से एक है। साहब का मुंह लगा होना, उनके घरेलू काम निपटाना और उनकी हर डांट को प्रसाद की तरह स्वीकार करना, ऐसे गुण हैं जिन्हें योग्यता की नई कसौटी मान लिया गया है। जाने माने व्यंगकार ज्ञान चतुर्वेदी आज इसी परिवर्तन पर कटाक्ष कर रहे हैं। देखते हैं उनका स्तंभ ना काहू से बैर।
तो मित्रों, पहली रचना मैं पढ़ता हूं और अद्भुत चीज है कि आज जिस चीज पर हम गर्व करते थे उन चीजों पर शर्माने के दिन आ गए। ये रचना उस चीज को लेके है। सुनिएगा कि वे साहब के मुंह लगे हैं और उन्हें इस बात पर गर्व है। वे बॉस की सब्जी खरीद कर पहुंचाते हैं, मैम साहब की साड़ियों में फॉल लगवाया करते हैं और इन बातों पर उन्हें बहुत गर्व है। जब भी देखो वे या तो साहब के चरणों में मिलते हैं या उनकी गोद में बैठे मिलते हैं और दोनों ही स्थितियों पर उनको बहुत नाज है। वे साहब के जूते का माप जानते हैं और इस बात पर गर्व करते हैं कि उनके खुद के सिर का नाप साहब के जूते की साइज का है और इस बात पर उन्हें गर्व है। वे गर्व करते हैं कि सर जी उन्हें कभी भी नहीं टोकते कि तुम काम पर इतनी देर से क्यों पहुंचते। वे साहब के सबॉर्डिनेट है और इस बात पर उन्हें गर्व है। उनका दावा है कि इस बार भी प्रमोशन उनका ही होगा। जिसको जो उखाड़ना है कर ले, वे बिना टांग हिलाए आगे बढ़ जाएंगे और इन सब दावों पर उन्हें बहुत गर्व है। वास्तव में जिन बातों पर आम आदमी को शर्म आती है या आनी चाहिए, उस बात पर इन्हें गर्व होता है। वे चुल्लू और पानी में भी डूबते नहीं और समंदर में भी तैर जाते हैं। वे किसी सड़ी पोली लकड़ी की भांति भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के ठहरे हुए पानी पर तैरते रहते हैं। वे उन बातों पर छाती फुलाए घूमते हैं जिन पर कायदे से सिर के अलावा झंडा तक झुक जाना चाहिए देश का। शर्म पैदा करने की मशीन ही भगवान ने उनके शरीर में फिट नहीं की, या फिर ऐसी मशीन कुछ अनोखी फिट की है कि वे शर्म की जगह गर्व करते हैं और गर्व करने के कामों को फालतूपन की जिम्मेदारी मानते हैं। पता नहीं क्या है। वास्तव में हुआ ये है भाई साहब कि इस देश में धीरे धीरे बहुत से शब्दों के अर्थ बदल गए। याद कीजिए ना, कभी आप ईमानदारी पर गर्व करते थे ना, अब ईमानदार आदमी हर सेटअप में एक लानत माना जाता है, लाइबिलिटी माना जाता है। राजनीति में हो, प्रशासन में हो, सब क्या कहते हैं, अरे इस साले से क्या किया जाए। साथी रोते हैं कि अरे टैक्टफुल नहीं है, इसको कोई काम मत दे देना, गड़बड़ कर देगा। जो गर्व की बात थी कि आप ईमानदार हैं, वही अब परेशानी का सबब है। गर्व इन पर होना था, पर किया किन पर जा रहा है? जो परम तिकड़मी है, जो चीजें सेट कर सकते हैं, जो टैक्टफुल हैं, लोगों को मैनेज करना जानते हैं और सही जगह पर बैठे हर आदमी को पकड़े रहते हैं, उन पर गर्व है। अब गर्व करने वाली बातें या तो हमें डराती हैं या फिर हंसी का विषय बन रही है। दारू ना पीने वाले पहले कैसे शान से बताते थे, अरे साहब हम दारू नहीं पीते। आजकल वो इसी बात पर माफी मांगते शर्माते घूमते, लोग हंसी करते हैं, भैया बे आ रहे हैं, बे आ रहे सत्यवादी, साले से जरा सा झूठ बोलते नहीं बना। परिवार वाले कहा करते हैं ये तो ऐसे ही है, पत्नी तक मुंह बिचकाती है और बॉस मानता है कि आप तो बिल्ली के गु हैं, आप चमचागिरी नहीं जानते, आप चमचागिरी करते नहीं हैं, ईमानदारी से काम में लगे रहते हैं। काम बढ़िया करता है आदमी, ये तो कोई बात नहीं है, काम बढ़िया करता है, पर आदमी घमंडी है, प्रोटोकॉल समझता ही नहीं है। कोई ऐसे ही थोड़ी बॉस ने सीआर बिगाड़ी, तब सीआर बिगाड़ी तो कहा काम करता है, पर घमंडी है। गर्व गर्व करने के विषय बदल गए। चमचे पहले भी होते थे, तब चमचा होना शर्म की बात क्या करती, पूछो तो मना करता था आदमी कि नहीं नहीं हम किसी के चमचे नहीं, छुपता था। बॉस भी शर्माता था, खुलकर कभी अपने चमचों को आगे नहीं बढ़ाता था। काम करने वाले मेहनती लोग चमचों पर हंस भी लेते थे, चमचे शर्मसार भी होते थे, झुककर चलते थे, परंतु अब दिन बदल गए। अब चमचे गर्व करते हैं, गर्व से कहते हैं कि फला के चमचे, और अभी 2 मिनट में तुम्हारा पटिया उखड़वा देंगे भाई साहब। अब बॉस भी शर्मिंदा नहीं होते, अब तो गर्व करने के एरिया ही बदल गए हैं भाई साहब, क्या कहें आपको। धन्यवाद। ताना बाना में आज बस इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है।
आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabana@sathindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा ताना बाना के नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।